दिया, मुझे बात क्लियर करने का मौका तो दे दो। ये आप ठीक नहीं कर रहे। मैंने आपने जो किया ठीक किया। तो कुछ किया ही नहीं है। मैंने मामा को कभी हाँ नहीं किया सारा के लिए। पता नहीं वो क्या समझ लेती हैं। ताईजान बेवकूफ नहीं है और ना मैं पागल हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा डबल गेम खेल क्यों रहे हैं। अगर अगर आपको सारा पसंद है तो मुझे से कोई एतराज नहीं है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता है मैं ही सिर्फ मोहब्बत करता हूँ आपसे, आप नहीं। यही समझ ले। नहीं, मुझे पता है आप बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हैं। शायद जितना मैं करता हूँ उससे भी ज्यादा, इसलिए आप इतनी नाराज हैं। आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते। मेरा रास्ता बहुत मुश्किल है, कांटों से भरा हुआ, सहरा की तरह तपता हुआ। आप थक जाएंगे। साथ चलने का इरादा किया है तो मंजिल तक न पाऊंगा। मंजिल? मेरी तो शायद कोई मंजिल भी नहीं है। अगर दिल न माने तो तुम छोड़ जाना, बड़े शौक से दिल मेरा तोड़ जाना। हमारे जुनून की तुम इंतहा हो, हमारे जुनून की तुम इंतहा हो। काफी देर हो गई है, एहसन और मानूर अभी तक नहीं आए। भाभी मेरी एहसन से बात हुई है, वो लोग रास्ते में आते होंगे। अच्छा, वैसे भी शादी के शुरू के दिन है, जितना इंसान घूम ले फिर ले अच्छा है। बाद में तो फिर बच्चे हो जाते हैं, घर की 100 जिम्मेदारियां, इतने मसले मसाइल फिर मौका ही कहाँ मिलता है घूमने फिरने का। हाँ सही कह रही हैं आप। मैं तो मानूर से कह दिया है तुमने जितना घूमना फिरना है घूम लो, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा क्या भाभी जान, आपसे आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो शौकत। वो मैं और समीना सोच रहे थे कि हम सारा और जुहेब की बात पक्की कर देते हैं, यही खानदान के कुछ रिश्तेदार बुला लेंगे, क्या कहती हैं आप? भाभी अगर दोनों का रिश्ता पक्का हो जाएगा तो मेरे दिल को बहुत इत्मीनान आ जाएगा। सारा के एक दो जगह से रिश्ते आए हुए, मैंने उनको मना कर दिया कि हम जुहेब से रिश्ता तय कर रहे हैं। अब हर एक को तो नहीं बता सकते, अगर छोटी मोटी सी रस्म हो जाएगी तो सबको खुद ही पता चल जाएगा। भाभी जान आप खामोश क्यों हैं? नहीं मैं ये सोच रही थी शौकत कि थोड़ा सा अगर टाइम दे दें तो अच्छा होगा, वैसे भी हमने मंगनी तो धूमधाम से करनी है ना। जी जी आप ठीक कह रही हैं। भाभी अगर हम छोटी मोटी रस्म घर में कर लें तो बेहतर नहीं रहेगा? समीना जिस तरह से एहसन और मानूर की मंगनी हुई है, मैं चाहती हूँ जोहेब और सारा के बिल्कुल उसी तरह हो। खूब धूमधाम से मंगनी करो और सारा भी खुश हो जाएगी। तुम लोग तो जानते हो सारा को इन सब चीजों का कितना शौक है। हाँ ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको पता है किसी भी दोस्त की मंगनी में जाती है ना, आते ही उससे जरूर कहती है कि मम्मा मेरी मंगनी होगी ना मैं ये पहनूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। मेरी बेटी के बहुत अरमान है। इंशाल्लाह तुम्हारी बेटी के सारे अरमान पूरे होंगे। अच्छा अल्लाह ने चाह तो आमीन इंशाल्लाह। मैं जरा किचन में देख कर आती हूँ कि शाम का खाना बनाया या नहीं बनाया, ठीक है? जी बाबू। सही है ना भाभी, ठीक कह रही है मेरा ख्याल है। मामा मैं आपसे कह चुका हूँ
मैं सार से शादी नहीं कर सकता। आप प्लीज चाचू और चाची को बताएं। सोहेब, ये तुम क्या कह रहे हो? क्यों अपनी माँ को आजमाइश में डाल रहे हो? मैं शौकत और समीना को इनकार नहीं कर सकती। आप समझ क्यों नहीं रहे? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? What's wrong with you? तुम्हारी और सारा की तो इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, बचपन से तुम दोनों की कितनी बनती थी, कोई काम तुम लोग एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं करते थे। अब क्या प्रॉब्लम हो गई है? मामा, दोस्ती और मोहब्बत में फर्क होता है। अरे बेटा, जब इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, मोहब्बत भी हो जाएगी। मेरा और सारा का मिजाज बिल्कुल अलग है, हम एक दूसरे से कभी खुश नहीं होंगे। देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारा और सारा का मिजाज अलग अलग है, लेकिन इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग तो है ना। कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी नहीं होता कि मियाँ बीवी के मिजाज एक जैसे हों। एक दूसरे को समझना ही बहुत बड़ी बात है। मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मामा वो बस, तुम किससे पसंद करते हो, तुम किससे पसंद नहीं करते, मैंने तुम्हारा रिश्ता सारा के साथ तय कर दिया है, एंड दैट्स इट। हज़ोएब, तुमने तो हमेशा मेरी हर बात को खुशी खुशी माना है, अब तुम्हें मेरे फैसले पे इतराज क्यों है? हाँ बोलो। पूरी जिंदगी का मामला है मामा। तो मैं तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं लगती? माँ हूं मैं तुम्हारी, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तुम्हारे लिए क्या बुरा है, मुझसे बेहतर कौन जानेगा? मुझसे अब बहस मत करना। आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस दिस टॉपिक एनी मोर। ओके, क्या हुआ मामा, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ। अच्छा मामा, मैं और एहसन बाहर से आ रहे हैं, इतना अच्छा रेस्टोरेंट था, बताओ मामा को। मानूर, एक बात तो बताओ, ताईजान आज इतना गुस्से में क्यों थी? तुमने पूछा नहीं उनसे? हाँ मैंने पूछा था मामा से, मगर उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। तुम्हें उनसे पूछना चाहिए था कि वो इतना गुस्से में क्यों है। पूछा तो था मैंने मामा से, मगर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि वहां नीचे क्या हुआ है क्या नहीं। अगर ताईजान ने नहीं बताया तो तुम ज़ोहेब से पूछ लेती। एहसन, आप इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं? हो सकता है मामा और भाई के दरमियान कोई बात हुई हो जो वो हमसे शेयर ना करना चाहते हो, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है?